गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 9 माई लोकेलिटी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ माई लोकेलिटी, है ना। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी में कौन कौन से प्लेस पाए जाते हैं, हा? ये सब चीज आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि लोकेलिटी में मार्केट पाए जाते हैं, हॉस्पिटल पाए जाते हैं, और इसके अलावा पुलिस स्टेशन मैंने आप लोग को डिस्कस किया था। मार्केट में आप क्यों जाते हैं, मार्केट में आप डिफरेंट चीज को खरीदने जाते हैं, जो भी घर की जरूरी सामान है वो आप कहाँ खरीदने जाते हैं, मार्केट में। मार्केट में एक ही प्रकार का शॉप्स होता है, नहीं, डिफरेंट टाइप का शॉप्स होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज को खरीदते हैं। सेकेंड मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, सेकेंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हॉस्पिटल क्यों जरूरी है। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, है ना। तो वहाँ पे कोई भी जब इंजर्ड हो जाता है या बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाता है, ओके। थर्ड मैंने आप लोग को बताया था पुलिस स्टेशन, है ना। तो पुलिस स्टेशन क्यों जरूरी है, पुलिस स्टेशन वो हमारे क्या कहते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। क्या प्रोटेक्शन करते हैं, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आवर लोकेलिटी, जो हमारे इलाके का जो भी नियम और कानून को अच्छे से बनाए रखते हैं। तो साथ साथ वो हमारे किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई चोरी हुआ या किसी प्रकार का मर्डर हुआ, तो वो हम कहाँ ये करने जाते हैं, किसको बताने जाते हैं, तो हम लोग की ये चीज हम लोग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं या वहां बताने जाते हैं कि हमारा सामान गुम हो गया या किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो। तो सारी चीज के बारे में लॉ और मर्डर मेंटेन कौन करता है, तो पुलिस करते हैं। तो हम लोग उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन, ओके। आज आप लोग को पढ़ना है पार्क और गार्डन के बारे में। तो आप लोग अपने को इंजॉय करने के लिए कहाँ जाते हैं, खेलने पार्क में जाते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज, पार्क में एक ही तरह का ट्री होता है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स के ट्री होते हैं, है ना। ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ग्रीनरी, इसके अलावा फ्लावर भी बहुत डिफरेंट फ्रूट टाइप्स के होते हैं, हाँ, विभिन्न प्रकार के वहां पर फूल को देखे होंगे। और वहां का जो मैदान होता है वो ग्रीनरी होता है, बहुत हरा भरा होता है, और वहां के जो घास होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। यहाँ हम लोग क्यों जाते हैं, वहाँ इंजॉय करने जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का हम लोग को झूला मिलता है, स्लाइड्स मिलता है ना। तो वहाँ पर झूला झूलते हैं आप लोग जाकर, और स्लाइड्स पे फिसलते हैं, ओके। सेकेंड चीज आप लोग के लिए क्या जरूरी है, स्कूल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और नई नई चीज सीखने जाते हैं, इसलिए स्कूल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी तो आप लोग घर में बैठ के बोर हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है। जब स्कूल में रहते तो आप लोग डिफरेंट चीज सीखते, ओके। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर लर्निंग, ये सीखने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है, ओके। अब क्या है, बैंक क्यों हमारे लोकेलिटी में जरूरी है, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अपने मनी को, अपने पैसा को जमा करते हैं, रखते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा चीज मनी तो हम लोग घर पे रख सकते नहीं है, तो आपके पेरेंट्स कोई भी पैसा हो, मनी हो, वो कहाँ रखते हैं, बैंक में। अगर उनको जितना भी प्यार होता है, जितनी जरूरत होती है, वो जाके बैंक से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ओके। ये तो मैं आप लोग लोकेलिटी में पाए जाने वाले प्लेस के बारे में पढ़े हैं। अब आप लोग को पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, कि विलेज और सिटी में क्या अंतर है। तो विलेज और सिटी में ये वहाँ की जो फैसिलिटी होती है उसमें बहुत अंतर है। जो फैसिलिटी सिटी में होती है वो फैसिलिटी विलेज में नहीं होती है, है ना। हम लोग को विलेज से कहाँ जाना पड़ता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के लिए, अच्छे अच्छे स्कूल के लिए, है ना, या कोर्ट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, किसी चीज के लिए कहाँ जाना पड़ता है, हम लोग को सिटी में जाना पड़ता है, ओके। तो आप लोग ये रिलेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को
आपके ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसको अच्छे से लिख लोगे। ओके, थैंक यू।